पटना के कारगिल चौक पे मौजूद हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों सीआरपीएफ के जवानों पे हमला हुआ था जिसमें कि 42 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से देश में एक लगातार लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। और अभी हम कारगिल चौक पे मौजूद हैं, 42 जवान शहीद हो गए हैं। क्या मांग है सरकार से? अब सरकार से तो हम लोग मांग पहले करते हैं कि जिस तरह से उनको सरकारी नौकरी जो देने की बात हुई बहुत जल्द से जल्द दिया जाए और उनके परिवार की भरपाई की जाए। और सिर्फ इससे सिर्फ नहीं होगा, हमारे 42 जो जवान शहीद हुए हैं उसके जगह पे कम से कम 42,000 शहीद होने उधर के लोग का सर कलम होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में आगे इस तरह के पाकिस्तान जो है इस तरह से कभी भी कदम उठाने के बाद 4 बार सोचे कि ऐसा नहीं करना। हमारे कश्मीर के आतंकवादी अंदर तक घुसे हुए हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो कश्मीर में घुसे हुए घुसपैठियों को जो पाकिस्तान द्वारा ISI द्वारा स्थापित है उनको वहां से उखाड़ फेंका जाए। सच्चे श्रद्धांजलि तभी होगी हमारे 44। मोदी जी ने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा, इस जवाब का करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी हादसा हुई है जो कि शर्मसार कर दे रही पूरे हिंदुस्तानियों को और हम लोग के आंसू सूख नहीं रहे हैं। ये वक्तव्य आ गया है, ये दिन आ गया है कि हम लोग सरेआम में इस तरह से पाकिस्तानी घुस करके हमारे जवानों को इस तरह से हत्या कर दे रहे हैं, तो आखिर आगे क्या हो सकता है? मोदी जी को सोचना पड़ेगा। इसके लिए रिजिड होकर जितना भी हो सके हम लोग को आगे बढ़कर हर परिवार से एक सदस्य को आगे बढ़कर शहीद होना पड़ेगा और जरूरी है। मैम क्या कहना चाहेंगे? कहना हमारे शहादत पे, हमारे पुलवामा में जो 40 मारे गए हैं, बहुत हम लोग को बहुत ही खेद है। 40 यानी मतलब हम लोग 40 में 40 लाख मारे में एक मौका मिल जाए। मैं बिहार वीरांगना अध्यक्ष हूँ और हम लोग सभी अपने काले ड्रेस में आए हैं और ये मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि अब वचन नहीं, अब कर्मबद्ध कारा जवाब हो और सब कोई हम लोग साथ हैं। देना चाहिए मोदी जी को, हमारे घर में घुस के पाकिस्तान वालों ने बहुत गलत किया, इसके लिए मोदी जी हमारे खून चाहिए। मोदी जी बोले करारा जवाब मिलेगा, नहीं होता है। बहुत सी सरकार घुस के मौके रह जाती है, सिर्फ शुरुआत करनी चाहिए, सिर्फ शुरुआत करनी चाहिए। पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारना चाहिए, जवाब चाहिए। देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान में बड़ा हमला होना चाहिए। सर्जिकल 2 जरूरी है, सर्जिकल 2 मांगे हम लोग की मांग है सर्जिकल 2। सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा तो पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देना चाहिए, आगे कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा हरकत, न वो बचेगा न कभी ऐसा हरकत होगा। सब बात के एक बात, खून के बदले खून, लाश के बदले लाश। मोदी जी को आना है तो यहाँ आप जो लिए हैं उसे निकलो कर हत्या, वो आना चाहिए। मोदी जी आना चाहते हैं बिहार में, तो अपने बिहार में मोदी जी के ला कर रहेगा, मगर ये कह रहे हैं कि अटैक होना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया है, आर्मी को सब लगा दिया कि आर्मी जो सोचे जैसा सोचे वैसा करे जब सोचे, ये तो आर्मी को पूरा छूट दे दिया प्रधानमंत्री ने कि आर्मी सोच विचार करके कैसे लड़ाई हो, कब लड़ाई हो, कहां से लड़ाई हो, आर्मी शुरू करे तो आर्मी अभी सोच विचार करे। ये तो नहीं है कि तुरंत किसी देश पर तुरंत आप तैयारी के साथ तब ना कीजिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है सर, आखिर कहीं ना कहीं चूक भी यहाँ नजर आती है सर। देखिए बड़ा हमला उस हिसाब से नहीं है, ये तो निहत्थर लोगों पर हमला है, ये बड़ा हमला नहीं है, हमला नहीं है बड़ा, ये तो चोरी से क्या लगा दिया एक्सप्लोसिव और सब उड़ गया। हमारा आर्मी सब जो है वो तो जा रहा था, गाड़ी में जा रहा था, सब लड़ने के लिए तो नहीं जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पर चूक हुई कि इस समय वो सब जो गाड़ी जो लाया था उस गाड़ी में इतना सामान था वो एक दिन में नहीं उसमें लाया होगा, उसको रखने में वो कैसे कहाँ कौन रखा जाए कौन एक्सप्लोर करेगा उसको समय लगा होगा, उसकी जानकारी अब हम लोग को नहीं मिली, मिलना चाहिए था। सर देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, होगा ही सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये आप उम्मीद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के इसका जवाब मिलेगा? पाकिस्तान जरूर एकदम मिलेगा।
ठीक है। तो ये तेजस्वी ठाकुर जिन्होंने ये उम्मीद दिलाया है कि पाकिस्तान पे करारा जवाब मिलेगा, आप देखते हैं कि सरकार इस पे कितनी जल्दी ठोस कदम उठाती है। देखते रहिए B4PIN.in। बदला लेनी चाहिए, इसलिए हम लोग भी तैयार है। अगर बोले प्रधानमंत्री तो हम लोग भी उसके सड़क पार जाने के लिए तैयार है। देश इस बार गुस्से में है, सारा देश यही चाहता है कि इस बार पाकिस्तान पे हमला हो और जो 42 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार ना जाए। तो अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार कब बड़ा हमला करती है और 42 जवान जो शहीद हुए हैं उनका बदला लेती है। तब तक आप देखते रहिए B4PIN.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।